हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू K2V2 व्लॉग्स। हाउ आर यू ऑल। अब तो पता है क्या है, यहाँ पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मुझे पता ही नहीं चलता ये लोग कब जाते हैं और कब आ जाते हैं। वहाँ पे क्या होता था, इन लोग की छुट्टी होती थी वो करीब होती थी कितने बजे, 3 बजे, 3:10 या 3:15 पे छुट्टी होती थी। और उसके बाद नहीं, घर आते आते 3:45, मतलब इतनी देर हो जाती थी, समझ लीजिए आधे जाते नहीं स्कूल स्कूल में रहते थे। अब यहाँ पे क्या, स्कूल पास में है, कन्वेंस तो लगा ही नहीं है, स्कूल यहाँ से मुश्किल से मतलब 5-7 मिनट का रास्ता है घर से। तो ये लोग स्कूल जाते हैं आते हैं, उतने में मेरा काम ही निपट रहा होता है, ये लोग घर आ जाते हैं, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता ये लोग कब स्कूल गए और कब आ गए। वहाँ पे ऐसे मुझे ऐसा लगता था कि मैं वेट कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं अकेले क्या करूँ, बोर हो रही हूँ। यहाँ तो ऐसा लगता है ना मेरा काम हुआ और बच्चे आ गए, मतलब मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता इनके जाने आने में। ये देखो, ये देखो कैसे आराम हो रहा है ना, कैसे आराम हो रहा है ना। यहाँ सही रहता है ना, टाइम पास हो जाता है जल्दी से और पढ़ाई भी अच्छी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लंच में बनाई है आलू और फ्रांस बीन की सब्जी। आप लोगों को लगता होगा ये सब्जी आधी आधी लगती है, एक्चुअली इसके पापा का तो जो लंच है वो सुबह ही चला जाता है, तो जो बाकी हम लोग का होता है हम लोग का रह जाता है खाने को। मेरा कार्तिक होगा इनका इतनी सी, एक्चुअली फ्रांस बीन की सब्जी इसको भी पसंद है, ये भी शौक से खा लेता है, ये भी ऐसे नहीं करता कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। उसको टोस्ट भी खा लेगा, रोटी के साथ भी खा लेगा, इसको बहुत पसंद है, वैसे भी खा लेगा। तो अभी फिलहाल क्या है ना, इन लोगों को पहले लंच करा देती हूँ, उसके बाद थोड़ा मैं भी आराम करूँगी, अभी भूख नहीं है। तो कब खाओगे? रोटी बना दो। रोटी बना के रख दूँ, बाद में खाऊंगा आराम से। ठीक है, ये भी ठीक है, मैं रोटी बना के रख दूँगी तो मैं भी फ्री हो जाऊँगी रात के 10 बजे। रात के 10 बजे कौन खाता है? डिनर खाऊंगा। मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं लंच खाऊंगा रात के 10 बजे, मतलब जो लंच में मैंने उसको डिनर में खाएगा। कह रहा बना के रख दो सब कुछ, ये ना हमारे यहाँ अभी अभी लाइट चली गई, गीजर लगाने वाले को बुलाया था, जैसे वो गीजर फिट करने लगा तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से वो लग नहीं पाया। जैसे गीजर लगा उसके बाद लाइट चली गई, पता नहीं हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी फिलहाल लाइट गई हुई है, लाइट आ गई फिर से चली गई पता नहीं क्या हो रहा है, लाइट ने बड़ा परेशान कर रखा है। एक तो हमारे यहाँ ना मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि बादल इतनी तेज़ तेज़ गरज रहे हैं, बारिश होने वाली है बहुत तेज़ और शुरू हो गई है बारिश की, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है फिलहाल। अभी तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कितनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है पानी की। डिनर कर चुके हैं मीठे में, अभी अभी सरप्राइज़ आया है, दिखाती हूँ क्या लाए हैं। मीठे में है अमेरिकन नट्स की आइसक्रीम। मैंने बहुत दिनों से ना ठंडा खाना बिल्कुल छोड़ रखा था, आइसक्रीम आइसक्रीम कुछ भी नहीं खा रही थी, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा था बहुत मन कर रहा था, तो मैंने कोई बात नहीं एक दिन आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होता है, तो आज आइसक्रीम खा लेती हूँ। वैसे भी गला पहले से मेरा ठीक हो चुका है। हमने रोटी रैप करने के लिए ना ये वाले मंगाए थे, ये तो खैर एल्युमिनियम फॉइल है, ये तो ठीक है, हमने ये वाला मंगाया था पेपर रोल, ये इतने ख़राब निकले, सही नहीं निकले, इनको इनमें रोटी रखते हैं ना तो वो अजीब सी सूखी सूखी सी हो जाती है पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने कहा घर में यूज़ कर लेंगे, मैंने फिर दूसरा एक और मंगाया ये एल्युमिनियम वाला, ये अब सही है, इसमें रोटी जो है वो सॉफ्ट रहती है, इसमें रोटियाँ हार्ड सी हो जाती हैं। तो अभी हो गई है काफ़ी रात और लाइट भी फिर से जा चुकी है, तो मैं आज के ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। तो हम आपसे फिर से मिलेंगे कल के न्यू डे के साथ न्यू ब्लॉग में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और 1000 सब्सक्राइबर का एम है जो कि वंश बोलता है। तो अभी के लिए बाय बाय फ्रॉम K2V2 व्लॉग्स, बाय।